ಆನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಯೈಸ್ತದಾಲಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಪಚುಗಾಯ ಬಳಿಗಲ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ತು ಕೈವೋ ಬಸ ಪಂಚಾಕಲ ದುರ್ವಶ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭೈ ವಚ ಪತಿತಾನಂಗ ಪಾವನೆ ಭೋ ವೈಷ್ಣವೇ ಭೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮ ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರ ತುಸೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ
वृंदाई तुलसी देव्यई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर ये दोनों को उन्होंने बोले जाओ हर घर घर में जा करके भिक्षा करो। क्या भिक्षा करो क्या भिक्षा करो कौन कौन एटी बस कौन भिक्षा करो हाँ ठीक कर को बोलो कृष्ण और कौन हाँ बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इसलिए उन्होंने बोले तीन चीजों को भिक्षा मांग करके लाना। इसलिए गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे बोलो कृष्ण। उन्होंने क्यों बोले बोलना तो कृष्ण ही बोलो क्यों बोले कुछ बता सकते है कोई न बोले कृष्ण बोलने से क्या होता बोलो तवन रो बोलो बोलो कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होता है क्या याद बोलो क्या नहीं कर सकना कर ऐसे में नहीं कर सकता हाँ सब फेल है ठीक है। इसलिए बोले बोलो कृष्ण कहते भज कृष्ण भजन करना तो किसको भजन करनी चाहिए बोले केवल कृष्ण को ही भजन करनी चाहिए और किसको भजन नहीं करनी चाहिए। बोले कृष्ण भजन क्यों करें और किसको भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए कारण क्या है इसलिए कारण बताए। बोले अकाम सर्व काम वा मुक्ष काम उदारधि तिप्रेण भक्ति जोगे न जजत पुरुष परम। जगत में साधारण लोग कृष्ण भक्ति करने वाले व्यक्ति बहुत कम है सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोफी महामुनि। इसलिए करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति को कृष्ण भजन करते हुए देखोगे। लेकिन जो देवा देवियों को पूजा देखो शंकर जी के मंदिर में देखो माँ देवी के मंदिर में देखो गणेश जी के मंदिर में हनुमान ये सब मंदिर में देखोगे ना दूसरा दूसरे देवा देवी मंदिर बड़ी भीड़ वो कहाँ देवा देवी शंकर पार्वती कहाँ पहाड़ के ऊपर में है। अब पहाड़ के ऊपर में देखोगे वहां इतने लाइन लगी हुई है हाँ जय माता जी जय भोले हैं जय भोले कितना पूजा होता है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति बहुत कम करने वालों को देखने को मिलता है कहते कारण इसका बताए। साधारण लोगों का जो भावना है ये कृष्ण भक्ति कौन करते हैं बोले जिनको संसार से उधार मुक्ति चाहिए वही लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। लेकिन साधारण लोग देवादेवी भक्ति क्यों करते हैं कहते भैया हमको धन दौलत पुत्र परिवार बेटा बेटी नाती पति दुकान मकान हमें ये सब चीज चाहिए इसलिए क्या करते हैं ये लोग दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से आसानी से इच्छा पूरी हो जाती है इसलिए वृकासुर ना पूछा नारद जी को बताओ तो जल्दी से जल्दी कौन सा देवता खुश हो जाता है बोले भोले बाबा उनका नाम ही भोले बाबा आशुतोष जो सबसे जल्दी से जल्दी खुश हो जाते हैं। बोले बा शंकर जी की पूजा करना शुरू कर दिया हैं। जब शंकर जी की पूजा करना शुरू कर दिया यज्ञ किया लेकिन शंकर जी देखा प्रकट नहीं हो रहा है
फिर अपना मांस को काट काट कर आहुत देने लग गया। देखा तब भी शंकर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, पकड़ा अपना है बाल को और उठाया अस्त्र और अपना गला ही काटने जा रहा था और उसमें आहुति देने जा रहा था। वाह शंकर जी भोले बाबा प्रकट हो गए हैं, बोले तृप्तम असि बरम ब्रूही, मैं प्रसन्न हो, बर दो, बर मांगो, क्या चाहते हो। इतने में ब्रिकासुर ने देखा शंकर जी से क्या बर मांगे, देखा शंकर जी को वहां पार समय पार्वती वो बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी है, सुमुखी है, शंकर स्वयं कहते हैं पार्वती बड़ी सुंदरी। बोले ये शंकर जी इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा, दिन भर तो आंख बंद करके बैठा रहता है, हैं, और इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा। बोले ये पार्वती को हड़पनी चाहिए, लेकिन जब तक शंकर रहेंगे तो उसको हड़प नहीं सकते, पहले शंकर जी को मारना। शंकर जी बोले बर मांगो, बोले जिसके सर को ऊपर हाथ रखे ना वही जल करके राख हो जाएगी। बस जब शंकर जी बर दे दिया, बोले बर तो आपने दिया है लेकिन परीक्षा भी तो करनी चाहिए, झूठ बोला ना आपने सच बोला, इसको तो परीक्षा करनी चाहिए। बोले किसमें परीक्षा करे, बोले आपका सर पर। बोले बर दिया मैंने मेरे सर पर, बोले और किसके सर पर। बस शंकर जी के सर पर हाथ रखने के लिए जब गए, इतने में उन्होंने भागे वहां से, और शंकर तो ब्रिकासुर तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, भागते 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 अभी क्या करे अभी क्या करे। इतने में उन्होंने क्या किया, लास्ट में उन्होंने भगवान के चरण में शरणागत हो, प्रभु प्रभु हमें रक्षा कर। क्या कर रहे हैं, क्या काम, क्या क्या चक्कर है, चुप जाओ बेटो। इसलिए बोले अभी क्या करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान की शरण में गए। जब भगवान की शरण में गए, इतने में भगवान क्या किया, एक बालक रूप लेकर के उन्होंने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए, इतने में बोले कहाँ भाग रहे हो, बोले ये शंकर जी को मारने के लिए उन्होंने वरदान दिए, जिसके सर पर हाथ रखे वही जल करके राख हो जाए, अभी मैं परीक्षा करना चाहूँ तो शंकर जी भाग रहे। बोले तुम भी एक पागल वो भी पागल, दोनों पागल इकट्ठे हो गए। बोले क्यों, बोले जब से दक्ष प्रजापति ने इनको अभिशाप दिया, इनका सारे जो वरदान में कोई फल ही नहीं रह गया, वो सारे खत्म हो गया है, इसलिए उसको पता है उसका वरदान में है इसलिए कुछ है ही नहीं, तभी तो भाग रहा है। कहला अरे अपना तो सर है ना, अपना सर पर हाथ रख करके परीक्षा कर लो, बोले जल करके राख हो जाऊंगा तो। बोले पागल एक काम करो, ऊपर रखा करो पहले हाथ, जलने से पहले पहले गर्मी आएगा ना, गर्मी आएगा तो हाथ घटा लेना। तो उन्होंने हाथ ऐसे रखा, बोले गर्मी आ रहे हैं, बोले कुछ नहीं, बोले अरे कुछ नहीं होता, और था नीचे करो, और था नीचे किया, बोले गर्मी आ रहे हैं, बोले कुछ ही नहीं आ रहे, बोले कुछ नहीं होता है, वो शंकर झूठ मूठ बोल दिया ना, कुछ नहीं होता, हाथ रखो, पास रखा तो वहीं पर जल करके राख हो गया। इतने में भगवान प्रकट हो गया, बोले भोले बाबा थोड़ी सी सोच विचार कर वरदान दिया करो, खुद भर दे कर फंस जाते हो और मेरे को याद करते हो, है इसलिए शंकर जी ऐसे भर क्यों दे देते हैं, उनको विश्वास है क्यों, शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभो, इसलिए शंकर जी को पूर्ण विश्वास है मेरे प्रभु है, मेरे ऊपर में कोई भी विपत्ति आएगा भगवान स्वयं प्रतिज्ञा किया, कौन ते प्रतिजानी नमे भक्ता परंशति, उनको पता है भगवान ने प्रतिज्ञा किया अर्जुन के द्वारा, मेरे जो भक्त है इनका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए शंकर जी को बहुत बार विपत्ति पड़ी, लेकिन किसने रक्षा करते हैं लास्ट में, जगन्नाथ जाकर के लास्ट में उनको रक्षा करते हैं, उनको पता है ना भगवान बताए मेरे भक्त का विनाश नहीं, इसलिए शंकर जी बास वरदान दे देते हैं और लास्ट में ठाकुर जी को आना पड़ता है। इसलिए कहते अक्सर करके जो लोग है यहाँ पर कह रहे ना भज कृष्ण, भज कृष्ण कर, क्यों कृष्ण भजन हमें करनी चाहिए, दूसरे देवादेवी को भजन हमें नहीं क्यों नहीं करनी चाहिए, यही चीज को बता रहे हैं। इसलिए साधारण लोग क्या करते हैं, कृष्ण भजन नहीं करके दूसरे दूसरे देवादेवी को भजन करते, क्यों, कारण क्या, हमको धन दौलत पुत्र परिवार लड़का लड़की दुकान मकान चाहिए, दूसरे दूसरे देवादेवी जल्दी जा लेते हैं, लेकिन एक तो जगन्नाथ जी लेट में प्रसन्न होते हैं और उनको कौन भक्ति करते हैं, जगन्नाथ जी को जिसको संसार से उद्धार होना मुक्ति बना, हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो बाल बच्चे दुनियादारी रुपया पैसा चाहिए, इसलिए किसको भजन करते हैं, दूसरे देवादेवी को।
लेकिन यहाँ कहते हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि अति प्रेण भक्ति जे जोगे न जजेत पुरुषम परम। इसलिए बोले अकाम, अकाम मतलब क्या होता है, अगर कामना वासना रही तो होकर के बोले सर्व काम, अगर तुम सब कुछ चाहिए तुम्हें धन दौलत पुत्र परिवार दुकान मकान जो कुछ तुमको चाहिए सर्व काम वा, बोले यहाँ तक कहते अगर मोक्ष काम, अगर तुमको संसार से उधार होना चाहते हो किसको पूजा करो, बोले जजेत पुरुषम परम, केवल जगन्नाथ जी को पूजा करो उनको भजन करो और किसको भजन मत करो, शास्त्र मना कर देता है, हैं? बोले भजन करना तो जगन्नाथ जी को भजन करो, इसलिए उनको भक्ति से सब कुछ मिलेगा, दुनियादारी वस्तु तो अपने आप मिल जाएगा। उसको उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज जी को, ध्रुव महाराज जी जब गए थे, कोई कोई सोचते है ना भगवान को भक्ति करना पड़ेगा तो निष्काम होकर के, भैया ध्रुव जी कौन सा निष्काम होकर गए थे, किस लिए गए थे, किस लिए गए थे भगवान की पूजा करने के लिए, मेरा भैया राजमाता बन जाए और मैं राजा बनूं, मैं बड़ा बेटा हूँ, बड़ा भैया का हिस्सा कौन लेना चाह रहे हैं, उत्तम लेना चाह रहे हैं, बोले नहीं ये हिस्सा मेरा है इसलिए मुझे ये राजगति मिलनी चाहिए, इसलिए अर्थ लोभ से गए थे भजन करने के लिए। लेकिन भगवत भक्ति का एक विशेष गुण है, क्या विशेष गुण है, हैं कि विशेष गुण क्या है, इसलिए भगवान कहते हैं क्या आमा भजे मागे विशेष सुख, हाँ कृष्ण भज बोले आमा भजे मागे विशेष सुख, तापर हाँ अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञा सही अज्ञ विषय कन दिव स्व चरणामृत दिया विषय बोला जी, भगवान कहते हैं हैं, इसलिए जीव क्या करते हैं मेरे को भजन करके ये विषय सुख को चाहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मैं तो मूर्ख है ही नहीं, मैं तो विज्ञ हूँ, इसलिए आमी विज्ञ सही अज्ञ विषय कन दिव स्व चरणामृत दिया विषय बोला, इसलिए भगवान की भक्ति की एक विशेष गुण है, भले ही हमारे अंदर में सारी कामना वासना क्यों नहीं रहे, लेकिन जब भगवान जो प्रसन्न होते हैं ना अपने आप हृदय से सारी कामना वासना खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान कहते ध्रुव मैं ऐसे एक देवता हूँ जैसे दूसरे दूसरे देवा देवी, अगर जो मांगे को सो नहीं दे सकते हो, जैसे शंकर जी को ब्रह्मा जी को मांगे अमर वर दे दो, मांगे ना कि नहीं, लेकिन शंकर जी दिया नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास में है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते, लेकिन केवल जगन्नाथ दे सकते, केवल भगवान ही दे सकता, और कोई अमर भर को कोई नहीं दे सकते, भगवान दे सकते हर चीज को दे सकते, भगवान बोले तू जी भर कर मांग ले क्या मांगना तू चाहते हो, हैं? लेकिन ध्रुव जी क्या कहता है, बोले प्रभु स्थानाभिलाषी तपस स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मनिद्र गुज्यम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृता तस्मी बरम न जाचे, बोले हे प्रभु अगर कोई व्यक्ति हो वो क्या कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति हो वो ढूंढ रहा है कांच के टुकड़े ढूंढ रहा है, लेकिन कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते उसको पारस मन मिल गया, उसको पारस मन मिल गया, बोले जगत में प्रभु ऐसे कौन सा मूर्ख होगा, हैं हाँ इसलिए कहते हैं अगर मिल गया, बोले देव मनीन्द्र गुज्जम आपका जो चरण कमल है, कहते देवता मुनियों के लिए भी दुर्लभ तुम्हारी चरण कमल है, हैं? अगर कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते पारसमणि मिल गया तो जगत में कौन से ऐसे बेकूफ होगा जो पारसमणि छोड़ करके कांच के टुकड़े ग्रहण करेगा, इसलिए आपका चरण क्या है, पहले तो मैं कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, ये दुनिया है, ये दुनिया को दुनिया की वस्तु पाने के लिए मैं चाह रहा था, लेकिन हे प्रभु कृतार्थ अस्मि प्रभु मैं धन्य हो गया हूँ, मेरे को बरम न जाचे, अभी हमें कोई दुनियादारी कोई बर नहीं चाहिए, हमें देव तो क्या दो भक्ति मुह प्रभुवताम, उसके बाद में क्या श्लोक याद है, इसलिए उन्होंने लास्ट में उन्होंने साधु संघ को ही उन्होंने प्रार्थना किया भक्ति मुह प्रभुवताम तोई में प्रसंग, हाँ तोई में प्रसंग, इसलिए लास्ट में उन्होंने बोले प्रभु अगर देना चाहते हो अब कि हमें भक्तों का संग प्रदान करो, बोले क्यों, बोले तुम्हारी भक्तों का संग करने से आपकी कथा रूपी जो अमृत उनके मुखार बिंद में से जो मंदा के रूप में बहती है, अगर वो कथा रूपी समुद्र में अगर मैं गोता लगा रहा हूँ तो अपने आप ये मन तुम्हारी चरण में लगा रहेगा, इसलिए हमें भक्ति और हमें भक्तों का संग हमें प्रदान करो, है। और भगवान क्या किया, उसको क्या दिया,
बोले मेरा जैसे कि वैकुंठ लोग तेरे लिए भी एक वैकुंठ बना दूंगा, जब तक दुनिया रहेगा तुमको ध्रुव लोक नाम से प्रसिद्ध होगा, याद करेंगे हैं, इसलिए चिरकाल के लिए। और इसी जगत में देखो ऐसा नहीं, ये दुनिया का कोई वस्तु नहीं दिया, क्या दिया बोले दिव्य छत्री से हजार साल तक निष्कंठ रूप में पूरा ये पृथ्वी को तुम भोग करो, राज्य को तुम भोग करो, और उसको बाद में क्या करो, उसको बाद में मेरे पास में आ जाओ। कहते ध्रुव ऐसे एक भक्त हुए हैं जो काल के सर के ऊपर प्यार रख करके इस सशरीर में दूसरे दूसरे दिखता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है, उन्हें सशरीर में हैं, काल के सर के ऊपर प्यार रख करके उन्होंने इस जगत का विषय तो इतना विषय को भोग किया, और लास्ट में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। और जो प्रहलाद जब ध्रुव महाराज जब वापस जा रहे थे ना, रो रो कर जा रहे थे, खुश होकर गए नहीं, रो रो कर, बोले क्यों रो कर गए, उनको दिव्य छत्री से हजार साल राजत्व तो मिला, उनके लिए वैकुंठ लोग मुझे रोए रोए क्यों, बोले देखो मैं कितने दुर्भागा, कहां भगवान का दर्शन हमें मिला, कहां भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, फिर भगवान ये झूठे संसार में फिर मेरे को फंसा दिया, फिर मेरे को ये झूठे संसार में फिर फंसा दिया भगवान ने, कहां भगवान दर्शन, कहां भक्ति, उनकी सेवा मिलता, मेरे फंसा दिया, मतलब संपूर्ण राजत्व तो पा करके भी दुखी हो रहे हैं, क्यों ये झूठा संसार में हमें फंसाया, मतलब इसलिए यहां पर कह रहे हैं भज कृष्ण, भज कृष्ण, इसलिए भजन करना तो और किसको भजन मत करो, क्योंकि दूसरे देवा देवी को भजन करोगे ना क्या करेंगे, जैसे रावण ने 10 बार अपना सर को काट कर दे दिया, दशानन बना, क्या मिला, सोने की लंका उसको मिली, सोने की लंका मिली, लेकिन हनुमान ने सब जला कर खत्म है, कहते 1.25 लाख नाती सह बेटा, 1.25 लाख नाती सबके सब खत्म, उनको वंश में दिया देने के लिए भी कोई रहे नहीं, उपासना किया शंकर जी की, 10 बार सर को उन्होंने दे दिया, लेकिन विभीषण ने क्या किया, उसने कितनी कठोर तपस्या किया, रावण ने कितनी कठोर तपस्या करके शंकर जी को खुश करके सोने की लंका और क्या क्या मिला, लेकिन विभीषण कुछ भी नहीं किया, क्या किया, केवल उन्होंने प्रभु राम की शरण में एक बार आकर के उनके चरण में प्रणाम कर लिया, बस इतने में भगवान अभी रावण को मारे ही नहीं, पहले ही राज तिलक लगा दी, उसको पहले राज तिलक लगा दी, बोले जा लंका का राज्य बन जा। है यहाँ पर यहाँ शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, भगवान की भक्ति की भक्ति में कितने प्रभाव है, इसलिए क्या करो, भज कृष्ण, भजन करना तो कृष्ण को ही भजन करो, ये दुनिया का तो वस्तु मिलेगा ही, लेकिन उसको बाद में क्या मिलेगा, भगवान की धाम मिलेगा, दिव्य भगवान की धाम मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भज कृष्ण। और वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते ना, कहते अहो बकियम स्तन काल कुटम जिज्ञासया अपि असाब्धि लेभे धातु चित्त कतम कतो नम कम्बा दयालु शरणम ब्रज। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब ये श्लोक को सुने पागल हो गए, हाथ उठा करके हाँ कम्बा दयालु शरणम ब्रज, में ऐसे कृष्ण को छोड़ कर और किसको भजन करेंगे, पुतना जैसे राक्षसी जो स्तन में कालकुट जहर लेकर गई थी हैं भगवान को मारने के लिए, लेकिन देखो तो सही कृष्ण कितने दयालु हैं, इसलिए पुतना जैसे राक्षस को उन्होंने क्या दिया, गोलोक वृंदावन में धाई चित है, गोलोक वृंदावन में धाई चित पद दे दिया, इसलिए इसको छोड़कर हम और भजन करे तो और किसको भजन करेंगे, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते बोलो कृष्ण भज कृष्ण। और जो तीसरा जो लाए तीसरा जो उपदेश है कर कृष्ण शिक्षा, तीसरा उपदेश है अगर शिक्षा करना तो क्या शिक्षा करनी चाहिए, बोले कृष्ण ही एकमात्र शिक्षणीय वस्तु, जीवन में अगर कुछ शिक्षा पाना चाहते हो केवल कृष्ण को ही भक्ति की ही शिक्षा करो, बोले कारण क्या है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है हैं, कहते कौन है, बोले कृष्ण ही है, इसलिए अगर कृष्ण इतर वस्तु को अगर कोई शिक्षा प्राप्त करेगा तो कहते अकिंचित कर, कृष्ण भक्ति अलावा जगत में जितना जो कुछ शिक्षा प्राप्त करो, लास्ट में क्या महाप्रभु दिग्विजय पंडित को क्या बोले, बोले पंडित जी ए देह छाड़िया चली ले विद्या बा पौरस किछो संगे नहीं चले, एतक महान तो तुम्हें सर्व परिहरी
करेन ईश्वर पूजा दृढ़ चित करी। तुमने जो सरस्वती को पूजा करके ये जो विद्वान को विद्वता को तुमने प्राप्ति की है, जब ये तुम्हारी ये शरीर छूट जाएगी, ये विद्वता जाएगी तुम्हारे साथ में, वो कोई डिग्री फिग्री तुम्हारे साथ में जाएगी, MA PhD डॉक्टर है, 7 विषय पर हमने क्या किया, आचार्य किया, ये सब चीज जाएगी तुम्हारे साथ में। अंतिम समय में क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, हर गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाते ना, कि जितने तुमने राम का नाम और कृष्ण नाम किया है केवल तुम्हारे साथ में वही जा रहे हैं, इसके सिवाय क्या हो रहा है, सब कोई बात झूठा है, सब यही रह रहे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण इतर शिक्षा जितने, कृष्ण भक्ति को छोड़कर जितने शिक्षा है, इस सब के सब अविद्या है, विद्या से अविद्या भेला है, विद्या से अविद्या भेला। इसलिए अकिचित अकिचित है, इसलिए ये बोल, और कृष्ण शिक्षा प्रभाव जीवर नित्य तो उपलब्धि है। दूसरा चीज कह रहे हैं कृष्ण शिक्षा करने से क्या होगा, कहते कृष्ण शिक्षा करने से जीव का जो नित्यत्व तो ये उपलब्धि है। जीव का नित्यत्व तो क्या, जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जब हम कृष्ण शिक्षा करेंगे हैं, हमें जीवन में क्या उपलब्धि होगा, हम भगवान का नित्य दास है, ये हमें उपलब्धि होगी। और अविद्या अज्ञान विनाश, कहते जब हम कृष्ण शिक्षा करेंगे क्या होगा, हमारे जितने अविद्या जितने अज्ञान है सबके सब ये हमारी नष्ट हो जाएगा। और कृष्ण शिक्षा करने से महाप्रभु बोलते बोलते ना, बोले सर्व सिद्धि प्राप्त होगा है, इसलिए महाप्रभु कहते ना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु क्या बोले, बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया सबे करिया निर्बंध, यह इते सर्व सिद्धि है वे सवार, और सर्वक्षण बोलो इते विधि नायक। महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम करो, हरि नाम करने से क्या होगा, सर्व सिद्धि जीवन में सब सिद्धि भगवान के नाम से होगा। इसलिए महाप्रभु को पूछा है ना, है महाप्रभु को जो पूछा, बोले क्यों महाप्रभु हैं, जब केशव काश्मीर पूछा ये क्या है सन्यासी, अगर क्या नाच रहे हो है, सन्यासी अगर क्या नाच क्यों रहे हो, लव बोट भर रो रहे हो, इसको क्या हो रहा है, कहते कौपिनी बंत खलु भाग्य बंत वेदांत सूत्र सदा रमंत, ये सन्यासी का काम है, कौपिनी धारण करो, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म, इसको रटनी चाहिए है, है? इसलिए ये क्या नाच कूद कर रहे हो गा रहे हो, ये सब क्या है। महाप्रभु क्या बोले, बोले गुरु मरे मूर्ख देखे करिले शासन, बोले तुम्हें है तुम्हें मूर्ख, तुम्हारे वेदांत नहीं अधिकार। गुरुदेव बोले देखो तुम्हारे वेदांत में अधिकार नहीं, कृष्ण नाम जप ही सर्व मंत्र सार, ये कृष्ण नाम को जप करो। कहते गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए मैंने ये हरि नाम करते 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 एक दिन देखा पता नहीं मेरा मन तो पागल हो गया, मन मेरा प्रसन्न हो गया, पागल हो गया है, पागल हो गया। इसलिए जब जब मैं ये कृष्ण नाम करता हूँ ना, मैं क्या देखता हूँ, वृंदावन में सुंदर जमुना नदी कलकल नादे से बह रही है, कोयले कुहू कुहू करते, मयूर के क्या कर रहे हैं, और एक सुंदर श्याम सलोना सा एक सुंदर बालक कदम पेड़ को नीचे खड़े होकर बंसरी बजाते हुए दिखता है, और मैंने मेरे को देखा, मैंने देखा वो मेरे को बुला रहे इधर आ, मैं देख करके तो पागल हो गया, पीछे भागा, जब उसको पकड़ ही लिया तो देखा वहां नहीं फिर दूसरी जगह पर फिर बुला रहा है। इसलिए जब जब मैंने ये हरे कृष्ण महामंत्र जब करता हूँ तब तक मैंने वृंदावन में कृष्ण को बंसुरी बजाते हुए देखता हूँ। गुरु जी को जब मैंने बोले गुरु जी की वाह मंत्र दिला गोसाई की वाह तार फल जपी जपीते मंत्र करी लो पागल, बोले गुरुदेव आपने क्या मंत्र दिया मेरे को है, पता नहीं ये मंत्र जप करते करते मैं तो पागल हो गया। इसलिए जब नाम करता हूँ वृंदावन में कृष्ण को बंसुरी, गुरुदेव बोले यही नाम का यही फल है, पर नाम जप करना सार्थकता हो गया बेटा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कर कृष्ण शिक्षा, कहते कृष्ण शिक्षा करने से क्या होगा, कहते अगर कृष्ण भक्ति की शिक्षा करोगे तो जीवन में सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। फिर यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण शिक्षा करोगे तो चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अगर ये हरि नाम करोगे तो तुम्हें कितना फल मिलेगा, तुमको 7 फल की प्राप्त होगी। चेतन रूपी दर्पण का परिमार्जन हो जाएगा, भव महादावाग्नि चिरकाल के लिए मिट जाएगी। हैं निर्वाह बनो मतलब फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। हैं भव महादावाग्नि श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा का किरण पड़ने पर हृदय रूपी कुमुदिनी तुम्हारी खिल जाएगी। हैं इसलिए विद्यावधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप भगवान का नाम है। और आनंदाम बुद्धि वर्धनम, इसलिए हर समय में एक नई नई आनंद की अनुभूति एक दिन ऐसा होगा, संपूर्ण कृष्ण नाम रस में सरावर हो जाओगे। इसलिए कृष्ण शिक्षा करने से, इसलिए कहते कर कृष्ण शिक्षा। कभी ये किया बोले ये अभिधेय तत्व है। भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? अभिधेय है, मतलब प्रोसेस क्या है? बोले कृष्ण शिक्षा ही ये अभिधेय तत्व है। और सर्व ऐश्वर्य प्रादिका सर्व माधुर्य सर्वतमत्व प्रदायिका, अगर जीवन में कृष्ण भक्ति की शिक्षा करेंगे तो सारे ऐश्वर्य सर्व माधुर्य और सर्वोत्तम प्रदायिका भगवान का नाम है। भोग अब भोग प्रवृत्ति निवारिका मुख्य तुच्छ कारिका, इसलिए कृष्ण शिक्षा करने से हृदय की सारी जो जड़ इच्छा खत्म हो जाएगी। और मोक्ष तुच्छ कारिणी, कृष्ण शिक्षा करने से कितना भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि दैव न दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदाजलि सेवत असमान धर्म अर्थ काम समय प्रतिज्ञा। इसलिए जब हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए, धर्म अर्थ काम हैं ये तो प्रतीक्षा करते हैं, कब भक्त हमें थोड़ी सी सेवा में लगाए। मुक्ति क्या करती है? गेट को बाहर में हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, कब मेरे को भक्त थोड़ी सी अपना सेवा में लगाए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु या भाई ना बोली वे ना बोलाई वे आर, कहते इसको छोड़ करके बोलना नहीं कुछ और दूसरों को कुछ बुलवाना नहीं है। प्रति घर घर में जाकर भिक्षा मांगना, तीन अवसान आसे हमारे कई बार भिक्षा के लिए जाओ घर घर में भिक्षा करो और लास्ट में शाम के समय मेरे पास में आना और आकर के मेरे कई बार क्या क्या बोलना, कौन कौन ग्रहण किया और कौन कौन ग्रहण नहीं किया। जो ग्रहण किया है कहते ये व्यक्ति जो ग्रहण किया उसको तो पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो ग्रहण नहीं करेंगे भगवान कहते हैं चक्र लेकर के उसको मैं नाश कर दूंगा। जो ये मेरे आदेश को पालन नहीं करे क्या करूंगा, चक्र लेकर उसको मैं नाश कर दूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, विनाश कर देंगे। विनाश कर देंगे मतलब क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं जब भैया जब कृष्ण भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, क्या होगे? अरे 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म में संसार चक्र में भ्रमण करते रहोगे, कभी स्वर्ग कभी नरक कभी दत्य कभी प्रभु कभी कीट कभी क्षुद्र कभी स्वर्ग है, ऐसे ही 14 ब्रह्मांड में तुमको संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ेगा है। इसलिए जानिए जो व्यक्ति इसको ग्रहण करेंगे उसमें मैं प्रसन्न होऊंगा। इसलिए तुम लोग दोनों मेरे एक सिद्धार्थ और एक बाम हाथ हो, नित्यानंद पुर हरिदास करे एक तुम्हारी सिद्धार्थ और एक तुम्हारी बाम हाथ है। इसलिए कत आज्ञा पाई दो जन बुले घरे घरे, बोल कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे, कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे न कृष्ण बोलो भाई यही एक मन। दोनों जहा जहा कर गली गलियों में सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हैं बोले बोलो कृष्ण गाओ कृष्ण भज कृष्ण रे, बोलना तो कृष्ण बोलो गाओ तो कृष्ण बोलो भजन तो कृष्ण करो। और कृष्ण कौन? बोले हमारे प्राण धन जीवन ये कृष्ण है, हैं। इसलिए दोनों जाकर प्रचार कर रहे। कहते जो सज्जन लोग है वो क्या करते, बड़े खुश होते दोनों ही, एक नित्यानंद एक हरिदास ठाकुर, एक तो सारा दुनिया का मालिक है, ब्रह्मा नारद, ब्रह्मा और श्री कौन, ब्रह्मा और श्री प्रहलाद, ये नारद कौन, हरिदास ठाकुर
नित्यानंद प्रभु भीष्मा। अभी जब ये घर घर में जाते हैं, जो सज्जन लोग हैं उनको देख करके आह्वान करते हैं, चरण की पूजा करते हैं, घर में बैठा कर उनको हाँ आदर जतन करते हैं। जब आते हैं भिक्षा देने के लिए, वो क्या कहते हैं, बोले बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, यही तीन चीज को शिक्षा मांगते हैं। लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति भी है, कुछ अच्छे व्यक्ति, कुछ दुष्ट व्यक्ति है। जो दुष्ट व्यक्ति है वो क्या करते हैं, कहते देखो ये मंत्र का प्रभाव से इनका बुद्धि विक्षेप हो गया है, इनका बुद्धि खराब हो गया है, ये मंत्र और ये महाप्रभु ये पागल हो गए, महाप्रभु का संग पा करके ना चैतन्य ये निमाई सबको पागल कर रहा है दुष्ट संघ में। और शिवा संगन में जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं, वो अपना परिकरों को लेकर कीर्तन करते हैं, दुष्ट लोगों को अंदर में जाने नहीं देते हैं, जिनको जाने नहीं देते है ना, बस वही लोग जब जाते हैं और मार मार इनको आदि करके द्वार द्वार गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इसलिए उनको तरह तरह का गाली गलौज करते हैं। महाप्रभु का समय तो जगह मधाई, तो उस समय अभी जगह मधाई का बात आएगा, इसलिए उस समय आता है ना पाषंडी लोग उस समय है गाली गलौज करते थे, भक्तों को गाली गलौज करते थे, और उस समय विशेषकर मुसलमान पीरियड था, इसलिए उन्होंने क्या किया, मृदंग तोड़ दिया, उनका मृदंग तोड़ दिया, भक्तों को मारपीट करके भगा दिए और नित्यानंद प्रभु का सरते फोड़ दिए, सर ही फोड़ दिए। इसलिए यहाँ पर फिर ऐसे करते करते कैसे जगाई माताई को उन्होंने उद्धार किया, फिर हम कल श्रवण करेंगे कैसे जगाई माताई को कैसे महाप्रभु ने कैसे उद्धार किया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम भजरे मन कृष्ण भजरे मन, हरि भजरे मन कृष्ण भजरे मन, हरि भजरे मन कृष्ण भजरे मन, हरि भजरे मन कृष्ण भजरे मन, सिंदर श्रीनाथ जगन्नाथ श्रीनाथ जगन्नाथ, हरि भजरे मन कृष्ण जप रे मन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Dayalita Hare Dayal Gaur, Dayalita Hare Dayal Gaur, Dayalita Hare Dayal Gaur, Dayalita Hare Dayal Gaur, Dayalita Gaur Hare Bhakti Nandan Jaya Gaur Hare Jaya Sada Jaya Gaurari Sapacha Jaya Gaurari Jaya Jagannatha Jaya Mahadeva Subhadra Devi Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Jaya Mahadeva Subhadra Devi Jaya Sudarshana पावन गुरुदेव जय प्रभु पद जया प्रभु पद जय प्रभु पद सपर्षद जय प्रभु पद नितय गौर हरि सूर्यकांत जय देता।